क्या एक बार फिर टीम इंडिया में गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी? क्या एक बार फिर अपनी गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए दिखेंगे रोको? क्या श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल भी अब करने वाले हैं टीम इंडिया से गेंदबाजी? क्या इस नई टीम इंडिया में होने वाले हैं बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स? जी हाँ, भारतीय टीम इन दिनों श्रीलंका के दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच फिलहाल 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की भी वापसी हुई है, लेकिन पहले मैच में रोहित शर्मा को छोड़कर टीम इंडिया के ये सभी खिलाड़ी कुछ खास करने में सफल नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से पहला वनडे टाई हो गया था। इस मैच के दौरान हमने भारत की तरफ से कुछ नई योजनाओं को भी देखा था, जिसमें शुभमन गिल भी गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे। इससे पहले भी T20I सीरीज में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को गेंदबाजी करते हुए देखा गया था। इन दोनों ने आखिरी T20 में श्रीलंका को आखिरी के 2 ओवर में 9 रन बनाने से रोक दिया था, जबकि 4 विकेट भी झटक लिए थे। हालांकि शुभमन गिल पहले वनडे में गेंदबाजी से कुछ खास तो नहीं कर पाए, उन्होंने 1 ओवर फेंका और 14 रन दिए। शुभमन गिल के गेंदबाजी के बाद फैंस अब यह जानना चाहते हैं कि आखिर भारतीय बल्लेबाज लगातार गेंदबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या भारतीय टीम अब कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है, जैसे पहले के ज़माने में हम देखते थे कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी भी अपने गेंदबाजों का साथ देने के लिए पार्ट टाइम गेंदबाजी किया करते थे, तो क्या अब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज भी पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे? तो आपको बता दें कि मैच के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच साई राज बहुतुले ने बताया कि मुझे लगता है कि हमारी बल्लेबाज भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, हालांकि उनका पहला कार्य तो बैटिंग ही होगा, लेकिन वो बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। वे जितना नेट पर गेंदबाजी का अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर होगा। बहुतुले ने आगे कहा कि जिस तरह से T20 मैच में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की थी, वैसे ही वनडे में शुभमन गिल से गेंदबाजी करवाई गई थी। उन्होंने कहा, आने वाले समय में क्रिकेट में ऑलराउंडरों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके टॉप 5 बल्लेबाजों में से भी कुछ खिलाड़ी गेंदबाजी कर लेते हैं तो इससे मैच के दौरान टीम को काफ़ी मदद मिलती है, और मेरा मानना है कि पिच के हिसाब से आप गेंदबाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे टीम को फ़ायदा पहुंचता है। हमारा मकसद अब सिर्फ टीम को एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन देना है, और हम उसी कॉम्बिनेशन की खोज में हैं। अगर भारतीय क्रिकेट के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो पुराने समय में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी अपने टाइम पर पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हुए अपने टॉप गेंदबाजों की मदद करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने यह देखा है कि भारतीय टीम अपने 5 चुनिंदा गेंदबाजों के साथ खेलती थी और एक हार्दिक पांड्या के रूप में एक रिजर्व ऑलराउंडर रखती थी जो कि 6ठे गेंदबाज के तौर पर खेलते थे, लेकिन उनके अलावा भारतीय टीम को कई बार ऐसी समस्याएँ आई हैं जब भारत को गेंदबाजों के लिए चारों तरफ देखना पड़ा है और कोई भी गेंदबाज आगे नहीं आ पाता था। लेकिन गंभीर युग में हो सकता है कि टीम इंडिया इस तरह की परेशानियों का ही समाधान ढूंढ रही हो। अब आप हमें बताइए कि आप किस भारतीय खिलाड़ी को गेंदबाजी करते हुए देखना पसंद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल क्रिकेट की हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाएं।